हमारी लड़ाई बैरिकेटिंग से नहीं है, ना ही हमारी लड़ाई किसान से है, ना सरकार से है। हमारी लड़ाई है सरकार की गलत नीतियों से। गोल्डन हट का जो मालिक है राणा जी, उन्होंने 7.5 महीने हो चुके हैं आंदोलन को, लगातार उसने अपने घर से हमारे को यहाँ पर किसानों के भंडारे चलाने का काम किया है। सरकार ने उसके उसके जो होटल है उसके बिल्कुल आके बैरिकेड कर दिया था, तो आज हमारे कुछ साथियों ने वहाँ पर वो बैरिकेड हटा दिए हैं। इस जोन को बैरिकेडिंग की गई थी, और से किसान मोर्चे ने 2 तारीख का अल्टीमेटम दिया था, जिस पे गवर्नमेंट को टाइम दिया गया था कि आप इसको 2 तारीख से पहले हटा लीजिए। तो दो नहीं कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात आई, ना हटाए गए। तो आज फिर किसानों ने सुबह लगभग 8 बजे, मैं तो बल्कि घर पे था, बैरिकेडिंग को 2 ट्रैक्टर लगा के हटाए गए थे। राणा जो है वो किसानों के साथ लगा हुआ है, हमको तो सिर्फ उससे मतलब है, या कोई और भाई कोई किसानों के साथ खड़ा है, जनता के साथ खड़ा है, समाज के साथ खड़ा है, तो हम उसके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चले। सुबह NHAI की तरफ से कंप्लेंट आई थी और हम मौके पे आए हैं यहाँ पे। तो ये कुछ जो कोर्ट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग NHAI ने जो बंद किया हुआ था हाईवे के जो इलीगल कट थे, उन में से कुछ पत्थर तो हटा दिए थे, तो NHAI ने दोबारा से अपने वो बुला के क्रेन वगैरह और ये दोबारा रखवा दिए। सुबह फ़ोन आया था कि गोल्डन हट से बैरिकेड हटा दिए गए हैं, तो सुबह आगे देखा यहाँ पे बैरिकेड वाकई में हटा दिए गए थे। तो फिर हमने हाइड्रा और JCB बुलाई और ये बैरिकेड फिर लगवाने शुरू करो। कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई ऐसा इशू सर? इन अनलीगल कट की वजह से एक्सीडेंटल बहुत बढ़ते हैं, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। जो विक्टम ऊपर से आता है वो एकदम स्पीड में आता है कट पे, अनलीगल कट पे। और दूसरी बात ये है कि सर ये हर जगह ब्लॉक है, आप करनाल में जाओ करनाल बंद है। कोर्ट की जजमेंट क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सेंटर के ऑर्डर है सर। I like you.